देश में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बीच अच्छी खबर यह है कि देश में कोरोना हॉटस्पॉट की संख्या कम हो रही है, लेकिन महाराष्ट्र और गुजरात से खबर बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। एक राज्य में मरीज 10,000 के करीब हो गए हैं तो दूसरे में बीमारों की तादाद 4,000 पार कर गई है। हिंदुस्तान में कोरोना के मरीजों की संख्या भले ही बढ़ रही हो, लेकिन सरकार के कोरोना के दायरे को कम करने की कोशिशें रंग ला रही हैं। जिन इलाकों में कोरोना ने कोहराम मचा रखा था, अब वो धीरे धीरे सिमटते जा रहे हैं। पिछले 15 दिनों में देश के 25 राज्यों में हॉटस्पॉट जिलों की संख्या 170 से घटकर 129 हो गई है। हालांकि ग्रीन जोन 325 से कम होकर 307 हो गए हैं। वहीं 325 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना संक्रमण का एक भी मामला नहीं है। 7 दिनों में 80 जिले ऐसे हैं जहां कोरोना का कोई नया मामला नहीं है। वहीं 47 जिलों में 14 दिन से एक भी पॉजिटिव केस नहीं मिला। हालांकि कोरोना से मुंबई का हाल बेहाल है। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 10,000 के करीब पहुंच गई है। वहीं मुंबई में भी कोरोना के 6,000 से ज्यादा संक्रमित हैं। इस बीच एक अच्छी खबर ये है कि महाराष्ट्र में एक शख्स का प्लाज्मा थेरेपी से सफल इलाज किया गया है। प्लाज्मा थेरेपी चे जो एक पहला प्रयोग झाला तो लीलावतीच्या रुग्णावर झाला। मला प्रवीण परदेशी आयुक्त महानगरपालिका मुंबई यांनी फोन करून स्वतः सांगितलं की अत्यंत यशस्वी प्रयोग झालेला आहे। दुसरा प्रयोग आज त्या ठिकाणी जे केलं जात आहे तो नायर हॉस्पिटलमध्ये केलं जात आहे। तो सुद्धा कोविड हॉस्पिटल आहे आणि त्या ठिकाणी सुद्धा त्यांना पूर्ण खात्री आहे की निश्चित प्रकारे यशस्वी होईल। जर गाईडलाईन्स तंतोतंत फॉलो केली तर निश्चित प्रकारे प्लाज्मा थेरपी यशस्वी होतीये असा मला त्यांनी दिलेल्या सूचना आहेत किंवा त्यांनी दिलेली माहिती आहे। महाराष्ट्र से नांदेड के श्री हुजूर साहेब गुरुद्वारे से पंजाब लाए गए श्रद्धालु अब सरकार के लिए मुसीबत बनते जा रहे हैं। करीब 2,293 श्रद्धालुओं को वापस पंजाब लाया जा चुका है, जिनमें से अब तक 38 केस कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। अभी भी नांदेड़ से पंजाब लौटे कई लोगों की स्क्रीनिंग होनी बाकी है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को आशंका है कि नांदेड़ से लौटे इन श्रद्धालुओं में से कोरोना पॉजिटिव लोगों का आंकड़ा बढ़ सकता है। कर्नाटक में 5 मंत्रियों के कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में आने से हड़कंप मच गया। हालांकि 3 मंत्रियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन एहतियात के तौर पर क्वारंटीन करने का फैसला किया गया है। आज तक ब्यूरो।